नमस्कार, ये घटना आप जानकर सुनकर हैरान हो जाएंगे। मुंबई पुलिस ने 16 साल की नाबालिग को उसके परिवार से 9 साल बाद मिलवाया। मुंबई पुलिस के मुताबिक नाबालिग लड़की का नाम पूजा गौड़ है, जो साल 2013 में अपने घर के पास से गायब हो गई थी। पुलिस ने बताया कि इस मामले में अपहरणकर्ता 50 साल के हैरी डिसूजा को गिरफ्तार किया गया है, जिसे कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने आरोपी को 10 अगस्त तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। दोस्तों, पुलिस के मुताबिक 22 जनवरी 2013 को अंधेरी के गिलबर्ट हिल इलाके में पढ़ने वाली पूजा स्कूल से अपने घर जा रही थी। जब पूजा अपने घर नहीं पहुंची, तब उसके घर वालों ने पूजा की तलाश की, लेकिन वो नहीं मिली। परिजनों ने बाद में पुलिस को अपहरण की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने मिसिंग की FIR दर्ज करके उसकी तलाश करनी शुरू कर दी। मगर दोस्तों, लंबे समय तक पुलिस के भी हाथ खाली रहे। DN नगर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मिलिंद कुर्डे ने बताया कि जब से पूजा मिसिंग थी, हम तब से ही उसकी तलाश कर रहे थे। हमें जानकारी मिली कि एक नाबालिग लड़की अंधेरी के नेहरू नगर स्लम एरिया में जिसके साथ रहती है, उसे शक है कि कुछ गड़बड़ है। इसके बाद पुलिस वहां गई और पूछताछ करना शुरू कर दिया। पुलिस ने कहा कि पूछताछ के दौरान डिसूजा ने बताया कि उसके घर में रहने वाली दो लड़कियों में से एक लड़की उनकी नहीं है। पूछताछ के बाद धीरे धीरे सच सामने आने लगा और फिर 16 साल की लड़की ने बताया कि वही पूजा है। तो दोस्तों, इस तरीके से हरकत नहीं करना चाहिए। अंत में आखिर सच्चाई का ही जीत होती है। आप देख रहे हैं SPOD YouTube चैनल। मुंबई की सभी ताजा खबरें पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में घंटी की बटन जरूर दबाएं। थैंक यू।